मोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान विपक्षी एकता को तोड़ने की कोशिश, तो क्या माने विपक्ष आपसे थोड़ी देर बाद जो बैठक होने वाली है उसमें शामिल नहीं हो रहा है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि जो सरकार ने बैठक बुलाई है उस बैठक में विपक्षी दल शामिल होने नहीं जा रहे हैं। इनका सवाल सीधे तौर पर सरकार से यही था कि सिर्फ चार दलों के नेताओं को ही क्यों बुलाया गया है, बल्कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया जाना चाहिए और गतिरोध को तोड़ा जाना चाहिए। देखिए, संसद के भीतर लगातार जो गतिरोध बना हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश सरकार यहाँ पर कर रही थी, क्योंकि लगातार जो बाहर निलंबित सांसद है उनको लेकर संसद के अंदर से लेकर संसद के बाहर तक 12 निलंबित सांसद और कांग्रेस सहित तमाम जो बड़े नेता थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। आपको भी बता दें कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने मार्च भी विजय चौक पर निकाला था और सीधे तौर पर मांग की थी कि इन सांसदों को बहाल किया जाए। उसके बाद सरकार ने एक कोशिश की थी कि एक बैठक के माध्यम से जो है इस गतिरोध को तोड़ा जाए, लेकिन अब वो टूटता हुआ नजर नहीं है। लगातार सरकार ये करिए कि हम चाहते हैं कि लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा किया जाए, लेकिन विपक्षी जो है वो नहीं चाहते हैं। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि अब संसद के भीतर आज क्या होता है, क्योंकि आखिरी सप्ताह शीतकालीन सत्र का चल रहा है, सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं और तमाम आर्थिक सुधारों से संबंधित बिलों को पास कराना है। तो ऐसे में सरकार की इस बैठक में कौन कौन से शामिल होते हैं, जो मैं अगला सवाल पूछने जा रहा था, आपने उसकी शुरुआत कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो 3 दिन बचे हुए हैं, 20 तारीख 23 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र, आज विपक्ष शामिल नहीं होने जा रहा है, टकराव समाप्त होते होते ऐसा ना हो कि शीतकालीन सत्र ही समाप्त हो जाए। जी बिल्कुल, टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और सिर्फ 3 दिन बचा हुआ, लगातार जो है उस सरकार ये कह रही कि हम चाहते हैं कि आर्थिक सुधारों से संबंधित बिल पास करवाना चाहते हैं। तमाम ऐसे बिल हैं जिनको पास कराना इस सत्र में बेहद ज़रूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि हम संसद को जब तक नहीं चले देंगे तब तक हमारे सांसदों को बहाल नहीं किया जाता। और जो आज आपको बता दें कि लोकसभा में टेनी को लेकर जो है एक स्थगन प्रस्ताव दिया गया, इस वक्त आपको बता दें कि जो अधीर रंजन चौधरी हैं कांग्रेस के जो लोक सभा में नेता है इस वक्त वो सदन के भीतर जा रहे हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आज सदन किस रूप में, किस तरीके से, दादा ये बताइए आज सदन किस रूप में चलेगा, दादा किस रूप में सदन आज चलेगा, क्या कहेंगे? सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं, सरकार की रवैया पहले देखें उसके बाद तय करेंगे। आज बैठक भी क्यों नहीं जा रहे आप लोग, जो सरकार ने बैठक, कौन सा बैठक, हमें कोई बैठक नहीं बुलाया, हमें निलंबित सांसदों, राज्यसभा की मसला है ये। एजेंडा क्या होगा लोकसभा में? बहुत सारे एजेंडा है, हाँ जरूर उठाएंगे। ये कह रहे हैं कि आज जो मसला है वो सदन के भीतर, राकेश आपको बता दें न्यूज़ नेशन के सवाल के जवाब में अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में, ठीक है, चलिए मोहित बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अधीर रंजन चौधरी संसद की कार्यवाही में शामिल होने के